etc. So now let's see the CISF drill by the CISF personnel under the leadership of SI Vivek Kumar sir, and it's a 1 minute commando drill. 74 नमस्कार सर 74 गणतंत्र दिवस पर आप सभी दर्शकों एवं बच्चों का हार्दिक स्वागत अर्पण करता हूं। ये आज के शुभ अवसर पर आरआर केट के सीआईएसएफ के कमांडो जवान आपके सामने एक 1 मिनट ड्रिल का डेमो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस प्रस्तुत में हम आपको दोनों हाथों से हथियार को खोलना, एक हाथ से हथियार खोलना और आंख पर पट्टी बांधकर हथियार किस प्रकार खुला जाता है, जब लड़ाई के दौरान हमारे जवान घायल हो जाते हैं तब किस प्रकार एक हाथ से हम कार्रवाई करते हैं, वो भी आपको दुरुस्त नमूना दिखा देंगे। अभी सबसे पहले हम आपको हमारे जवान के द्वारा दोनों हाथों से हथियार खोलना के कार्रवाई, दुरुस्त कार्रवाई दिखाए जाएंगे। ये हथियार का नाम है इंसास, जिसे हमारे जवान दोनों हाथों से 1 मिनट के अंदर में पूरा उसे खोल कर आगे बढ़ेंगे, जिसका दुरुस्त नमूना दिया है। सभी जवान दर्शकों से बच्चों से निवेदन है कि ताली बजाकर हमारे जवानों का हौसला अफजाई करें। ये हथियार का नाम है AK-47, जिसे हमारे जवान दोनों हाथों से खोलते हुए आगे बढ़े हैं। इस हथियार का नाम है 9mm पिस्तौल। ये हथियार 60 हथियार इस्तेमाल किया जाता है। इसे भी हमारे कमांडो तुरंत एक 1 मिनट में खोल के आपके सामने आगे बढ़ेंगे। अब आपके सामने दूसरे जवान हमारे उसी हथियार को वापस 1 मिनट के अंदर में तीनों वेपन को एक साथ जोड़ेंगे, जिसका दुरुस्त नमूना आपके सामने दिखाया जा रहा है। 5.56mm इंसास राइफल है। इस हथियार को इस प्रकार जोड़ा जा रहा है, देखिए आपके सामने। उसके बाद AK-47 AK-47 राइफल है, इसे भी इस आपके सामने दुरुस्त तरीके से इसको जोड़ा जा रहा है। नाइन एम एम पिस्तौल को किस प्रकार हमारे जवान दुरुस्त तरीके से उसे जोड़ा जा रहा है। लड़ाई के दौरान जब आंख में या किसी प्रकार की चोट लग जाती है, उस समय हमारे हथियार को कोई हथियार को खोलना जोड़ने की कार्रवाई पड़ती है, तो उस प्रकार किस प्रकार किया जाता है वो हमारे जवान आपके सामने आंख पे पट्टी बांधकर बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, आंख पे दोनों हाथों पे पट्टी बांधी हुई है। उसके बाद आपके उस समय अगर हथियार को खोलने जोड़ने की जरूरत पड़ती है तो किस प्रकार खोला जाता है वो आपके सामने दुरुस्त नमूना हमारे जवान दिखाएंगे। फाइव पाइप सिक्स एम एम इंसास राइफल को आंख में पट्टी बांधकर खोलना, ये हथियार एक बहुत नाजुक हथियार होता है। उसको किस प्रकार हमारा हथियार 1 मिनट के दौरान, देखिए आपके सामने, उसके बाद खोल के तुरंत AK-47 राइफल को खोला जा रहा है, उसके बाद तुरंत आपके सामने पिस्तौल को खोला जाएगा। आंख पर पट्टी बांधकर खोलना और उसको तुरंत बाहर आगे जाना, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। आपके सामने बच्चों से निवेदन है कि जोरदार ताली बजाए। अब इसी प्रकार उसी हथियार को आंख में पट्टी बांध कर तीनों वेपन को आपके सामने उसे वापस जोड़ा जाएगा। नहीं, 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 नहीं,
जब रात के समय हम किसी प्रकार की किसी असुविधा में फंस जाते हैं और हमारा हथियार कार्रवाई कार्य में रुक जाता है, उस समय भी हम ये कार्रवाई करते हैं और उसे आपके सामने हमारे जवान दुरुस्त तरीके से दिखाया जा रहा है। देखिए, ये इसे जोड़ा है, उसके बाद अगले हथियार के पास गए, उसके हथियार को आपके सामने पार्ट्स को ढूंढना, उसको मैच करना और उसे वापस दुरुस्त तरीके से लगा कर दोबारा आगे की कार्रवाई करना। ये आपके सामने एक बेहतरीन नज़ारा, बिना देखे रात के समय किस प्रकार कार्रवाई की जाती है उसका आपके सामने नमूना, दुरुस्त नमूना दिखाया गया है। अब एक हाथ से जब लड़ाई के दौरान हमारे किसी हाथ में चोट लग जाती है, जख्मी हो जाता है, और उस समय उस हथियार को किस प्रकार खोला जाता है वो आपके सामने एक दुरुस्त नमूना हमारे जवान प्रस्तुत करेंगे। शाबाश शाबाश, बच्चों से निवेदन है कि ताली बजाइए और हमारे जवानों का हौसला आजमाइश कीजिए। अब उसी हथियार को आपके सामने वापस जोड़ा जाएगा, अगर जख्मी हालत में हथियार को जोड़ना है तो किस प्रकार जोड़ेंगे उसका दुरुस्त नमूना। ये एके 47 को जोड़ा जा रहा है, एक हाथ से एके 47 हथियार को सही तरीके से जोड़ा जा रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी आपके सामने लड़ाई के दौरान हम किस प्रकार फायरिंग पोजीशन से फायर करते हैं, जब दुश्मन हमारे सामने आता है तो हम किस किस प्रकार से फायरिंग करते हैं और किस प्रकार की पोजीशन बनाई जाती है वो आपको एक दुरुस्त नमूना दिखाया जाएगा। इसका भी हम लोगों को एक स्पेशल ट्रेनिंग किया जाता है जो कि हमारे एसटीएफ के जवान आपके सामने दिखाया जाएंगे। ये सबसे पहले स्टैंडिंग पोजिशन, जब दुश्मन भागता हो, भागते हुए दुश्मन पर किस प्रकार फायर किया जाता है वो इस प्रकार पोजीशन से फायर किया जाता है। हाई स्टैंडिंग पोजीशन, दुश्मन अगर आपको ढलान पोजीशन से ऊपर भाग रहा है तो उस समय इस प्रकार से पोजीशन से फायर किया जाता है। लो कास्ट पोजीशन, इसके दौरान अगर पहाड़ी से दुश्मन छुप के अगर हम पे फायर करता है तो हम उस दुश्मन के ऊपर इस पोजीशन से फायर किया जाता है। लीलिंग पोजीशन, हाई लीलिंग पोजीशन, जब दुश्मन हमारे ऊपर ढलान के ऊपर चढ़ रहा है तो हम उस पोजीशन से उसको आसानी से बर्बाद कर सकते हैं। लीलिंग पोजीशन, जब दुश्मन झाड़ियों में छुप रहा है और हमें छुप छुप के फायर करता है तब हम भी झाड़ी में आड़ लेके उसके ऊपर आराम से फायर को दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। शूटिंग पोजीशन, इस पोजीशन में दुश्मन हमको अगर पहाड़ियों से या जंगल से अगर पानी के अंदर से फायर करता है तब भी हम इसको फायर कर सकते हैं।
लाइन पोजिशन, दुश्मन अगर छुप छुप कर अधिक समय तक रुकता है, आधा घंटा एक घंटा रात कई समय रुकता है, तब हम ये इस पोजिशन से आरामदायक पोजिशन है, इसमें हम आराम से रात में भी इसके ऊपर फायर डाल सकते हैं और दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। ये हमारे जवानों का कम समय में दिया गया प्रोग्राम आपके सामने 1 WFL का। इसी के साथ CISF का डेमो समाप्त होता है। जय हिंद। आई थैंक द हेड CISF सेक्शन एंड ऑल द CISF पर्सनल्स फॉर सच एन एक्सेलेंट परफॉर्मेंस हियर एट द रिपब्लिक डे।